ये बोल क्यों बीमार बीमार पड़ गए? कल गए बिल्डिंग आई थी हिट पे आई थी तो बिल्डिंग की इसकी वजह से बीमार हो गए। बीमार हो गए। अरे सुन ना, लाडो को अभी क्या करना है? पिकअप में डाल के लेके जाना है या फिर पिकअप में डालने लेके जाना पड़ेगा? वो चलती नहीं है अभी। क्यों चलती नहीं? उसको तो कुछ हुआ नहीं, लंगड़ के तो नहीं चल रही हो? लंगड़ की नहीं चल रही, पर उसको दूध बहुत लगता है। हाँ गाबे नहीं इसकी वजह से। तो ऐसे क्यों चलते हो? देख गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक घंटा हो गया मैं इनको आवाज दे रहा हूँ कि उठो उठो, लेकिन उठने के लिए तैयारी नहीं है। मेरे को पिटाई करनी पड़ेगी। आए कब का आवाज दे रहा हूँ यार? तुम तो फोन में देखते हो यार। हाँ टाइम कितना हुआ? टाइम देख रहा था। कितना टाइम हुआ? हाड़ी सी फिर से बोल। कितने कितने बोल फिर से? फिलहाल जो है दोस्तों, मैं पहली बार आज इतना जल्दी उठा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा नासिक काम है, तो उसकी वजह से मैं जा रहा हूँ नासिक। थोड़ा काम है उतना खत्म करके आते हैं, फिर जो है कि यहाँ आने के बाद भी काम खत्म करेंगे। और मेरे हिस्से की गाय जो है कि भाई अभी मिल्किंग चालू है। आज अगर टाइम मिला तो सूरज भाई के पास भी जाना है। टाइम मिला तो ये चेक करो। उठते हुए पहले दूध ढूंढता है कि दूध कहाँ है। दूध तो ऐसा बंदा है। बाकी महेश भाई जो है कि यहाँ पे घोड़े बेच के सो रहा है। सोने रहा महेश भाई, बाहर सो रहा था, अभी आके यहाँ सो गए। उठ आई। अबे इतने जल्दी तुम लोग क्यों उठ जाते हो यार? आई 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 मुंह देख पूछ तेरा। अभी वो क्या भरने के लिए जाना है? वो अभी तक वो भूसा बहुत गीला है, खेत बहुत गीले, ट्रैक्टर फंस जाएंगे। तो नहीं जाने का तो कुछ ढूंढो दूसरा। क्या ढूंढे? मस्त जो है कि ब्रश वगैरह करके चाय दूध पी लिया है। फिलहाल जो है कि हरी भाई बोल रहा है कि भाई खेतों में जो है कि भाई अभी तक पानी सूखा नहीं है इतना, तो अभी भूस है लेकिन ट्रैक्टर खेत के अंदर जाएगा नहीं। तो हरी भाई बोल रहा है कि वो अभी नहीं भरने के लिए जाना है। तो दूसरा काम है क्योंकि हमें ये पूरा साफ करके यहाँ पे डालना है चारा, तो फिर क्या साफ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो है कि थोड़ा बहुत बचा है वो निकालना पड़ेगा। बाकी ये भी पूरा सुखाना है लेकिन वो तो अभी नहीं सुखाएंगे, बाद में सुखाएंगे। कैसे भी बांधते तो गाय छूट जाती है। महेश भाई बांधता है ना तब छूट ही जाती है गाय। तो फिलहाल जो है कि दोस्तों, मैं गया था सुबह सुबह नासिक, पूरा थोड़ा काम था वो निपटा के आ गया हूँ और अभी कंप्लीट बज रहे हैं 5। गए जो है कि वाड़ा के अंदर आके हरी भाई ने 2 ट्रैक्टर इसमें भूसा खाली किया था। वो वाला भूसा जो है कि भाई मोटा है, वो बड़े हार्वेस्टर से बड़े मशीन से निकाला है। जो है ये वाला सोयाबीन का भूसा जो है कि छोटे मशीन से निकाला है। खाते तो दोनों सेम ही है। हरी भाई महेश भाई चलो क्या करो, कपड़े की हालत देख कैसी कर दी। बच्ची छूट गई तेरी भाई, इसको बांध दिया करना यार। तू बांध दे, बांध दो उसका रस्ते का है। इसको भी दोस्तों बहुत पसंद है गाय, हद से ज्यादा पसंद है। बिल्कुल डरता नहीं। अभी आपने देखा पारो के आगे कैसा गया था। क्या हुआ? अरे अरे टीनू लजा को गा मार से। अभी वो तो आ गया, बच गया वो पारियों के आगे आ गया था। ये देखो 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 ये देखो
तेरे को कोई उठा के पटक देगा। और ऐसा भी ऐसा नहीं दोस्तों कि अभी तक मारा नहीं, दो बार अभी तक उसको उठा के पटक दिया है, फिर भी जो है कि मैं किधर लग गए थे पिलाया ए, इसको घर पे लेके जाओ, चल भाग बेटा घर पे जाओ, घर जाओ, घर जाओ, गुच्चुप घर पे जाओ, गुच्चुप घर पे, सीधा घर पे भागो, घर पे चलो, ए मार मत, चलो अभी फटाफट से जो है कि दोस्तों बांध देते हैं। मैंने बांधा था उसको महेश भाई, तो चलो बांध दो। तो अभी जो है कि फाइनली दोस्तों अपनी दूसरी जो गाय है बिना दूध की गाय जो है कि बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाली है। फिलहाल तो जो है कि जगह की बहुत कमतरता है, क्योंकि देखो कुछ गाय यहाँ पे बांध दिया है और आधा वाड़ा में तो गोबर पड़ा है, और कुछ गाय जो है कि इधर भी बैठ जाएंगी। अभी ये पहले गोबर का यहाँ पे करते थे और अभी जो है कि यहाँ पे कर दिया है, तो अभी यहाँ पे पूरी गाय बांध देंगे, पूरी इसमें पूरी गाय बांध देंगे और गोबर का यहीं पे रहने देंगे। सुखाने के लिए दोस्तों दिक्कत आएंगे, सुखाने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है, तो देखते हैं अभी गोबर का भी कुछ करना पड़ेगा। सुपड़े बांध दे हरी भाई, सुपड़े की बछड़ी कहाँ गई? हाँ आप सब दोस्तों अपनी चक्कू की बछड़ी को भूल गए आप? ये रही, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो इस टाइप का मैंने भी आज देखा, मैं भी दो दिन से आया हूँ दोस्तों यहाँ पे और मैं आज देख रहा हूँ। बांधो इसको, मारो इसको, पशु आहार स्टार्ट किया कर दिया, कितने दिन हो गए? पांच दिन हो गए, बाहुल भी उसको थोड़ा बहुत टाइम है, बाहुल को टाइम है, लेकिन बाहुल की ब्रीडिंग किससे हुई थी? मथुर से, मथुर से नहीं हुई थी, नहीं नहीं उससे रिपीट हो गई थी वो, अरे रिपीट हो गई थी। बाहुल की ब्रीडिंग जो है कि दोस्तों हमने सुरेश भाई शौक से बोल रहा था, तो फिर एचएफ बुल से हमने ब्रीडिंग करवाई थी, लेकिन रिपीट हो गई थी। लेकिन उसके बाद बाहुल की ब्रीडिंग जो है कि लिल्डा बुल से हुई थी महेश भाई, वो जो बुल है उससे हो गई थी, वो बुल यहाँ पे लेके आया दोस्तों, ब्रीडिंग ही नहीं कर रहा था, बाहुल की ब्रीडिंग हो गई, फिर बाद में एक भी गाय का उसने ब्रीडिंग नहीं किया, फिर जाके हमने वो भी छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो बाहुल बच्चा देने वाली है वो उस बाहुल गाय की ब्रीडिंग लिल्डा बुल से हुई थी। उसको बांधे हो, देख पीछे पीछे कहाँ जा रही, और शिकारी देख कहाँ जा रही। फिलहाल जो है कि दोस्तों अभी हरी भाई बोल रहा है कि भाई मिल्किंग का काम मैं करता हूँ, आपको जो है कि भाई यहाँ पे एक बाजू में खेत है जो कि सोयाबीन का भूसा जो है कि भाई मशीन उधर गया है, तो शायद बोले उधर एक दो खेत निकाले होंगे, क्योंकि भूसे का तो जो है कि भाई किसान भाई को पूछना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि किसान भाई ऑलरेडी वही बोलते हैं कि भाई भर के लेके जाओ। तो अभी चलते हैं पहले भूसा, चल बाजू घोट, नाटक नहीं, बिल्कुल नाटक नहीं, भाग, भाग, हाँ? शायद दोस्तों इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो अपने को जो है कि अपना घोड़ा ही लेके जाना पड़ेगा। चल उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, घोड़ा लेके जाना पड़ेगा, इसमें पेट्रोल डालना मैं भूल गया था। अभी जो है कि फटाफट से चलते हैं, पहले खेत जो है उसमें देख के आते हैं भूसा पड़ा है या नहीं, अगर ज्यादा पड़ा है तो सुबह ट्रैक्टर भेज देंगे। चलो स्वयं भी मेरे साथ आया, पीछे लग गया, रोने लग गया, मैंने बोला अभी घर पे मिल्किंग करने का टाइम है, सबको परेशान करेगा, साथ में उसको भी लेके आ गया। यहाँ पे पीछे एक खेत देखा, लेकिन उस खेत में अभी तक सोयाबीन नहीं निकाले, अभी आगे चलते, आगे एक खेत है उतना देख लेते, फिर चलते हैं घर पे। जो है कि दोस्तों इस गन्ने की वो साइड जो है ये देख के आए, मशीन जो है कि खेत के बाहर निकला और तुरंत ही उन्होंने जलाना स्टार्ट कर दिया था, उतने में मैं पहुंच गया, मैंने बोला भाई रहने दो मैं सुबह आके लेके जाऊंगा, तो फिर उन्होंने जलाना रोक दिया। अभी सुबह जो है कि हरी भाई को भेज देंगे, हरी भाई को और महेश भाई को, और मुझे दूध लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं आ जाऊंगा भरने के लिए और हरी भाई दूध लेके जाएंगे, देखते हैं अभी सुबह। अभी फटाफट से चलते हैं घर पे। हरी भाई भूस है ओ उधर पांडरी में, ओ किशन भाई जला रहा था, उसने दो ढिक जलाया, फिर मैंने रोक दिया, फुल ट्रैक्टर भर जाएगा, सुबह जल्दी जाके एकदम दबा के भर के आना है, ठीक है। तो इस बार हरी भाई फॉर्म में है, फुल फॉर्म में, बोले जितना आए उतना लेके आते हैं। मिल्किंग स्टार्ट किया, आधा से ऊपर हो गया, दूसरी गाय है, दूसरी गाय, लेकिन इसका ये अभी स्टार्ट किया है, यहाँ एक बार डाल दिया, डाल गया है ना, वही तो मैंने बोला उसका जो ये अडल है उसमें तो मेरे को दूध दिख नहीं रहा है, बाल्टी में भी दूध नहीं है, लेकिन बाल्टी खाली करके आया है। महेश भाई सही से पकड़ने यार, वो रस्सी जो है उसके गले में उसको फांस लग रहा है, खींचती है। हरी भाई, अरे भाई इसके ये बच्चे को थोड़ा दूध ज्यादा रहने दे,
बच्चे क्वालिटी बनेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका मिल्क रिकॉर्ड भाई एकदम अलग लेवल का है। तो भाई अगर उसकी बछड़िया है तो उसका भी मिल्क रिकॉर्ड भले ही थोड़ा हो, लेकिन मिल्क रिकॉर्ड उसका भी तगड़ा रहेगा। मैंने बोला अभी इसका बचना मुश्किल है, इसके लिए बोतल वगैरह सब लेके आ गए थे दोस्तों हम, लेकिन बोतल में तो उसने बिल्कुल दूध नहीं पिया, लेकिन अभी जो है कि पीने लगे। देखो उसका हाँ चले, देखो देखो ये साइड से बाहर दिख रहा है। चलो तो अभी फटाफट से मिल्किंग वगैरह ख़त्म करते हैं। तो उधर हरी भाई मिल्किंग कर रहे हैं, इधर ये मिल्किंग कर रहे हैं। ज़्यादातर मेरे हिस्से की मिल्किंग जो है कि भाई यही करते हैं, तो अभी मैं नहीं करता हूँ। वैसे सुरेश भाई यहाँ पे होता तो मैं करता ही नहीं था, लेकिन फिर बाद में जो है कि भाई सुरेश भाई उधर गया तब मेरे को कुछ दिन मिल्किंग करना पड़ा, लेकिन अभी मिल्किंग वो कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। राम जी भाई जो है कि आज आके पशु आहार डाल के गया है। ये लगभग मेरे ख्याल से 500 किलो है, तो ये 500 किलो 8 दिन चलता है। दो दिन पहले जो है कि गन्ना भर के लेके आया था, अभी गन्ना भी जो है कि 2-4 दिन आराम से चल जाएगा, फिर जो है कि देखते हैं। मामा की गाय जो है कि अभी हो गए हैं बाखड़िया, इसका खेल हो गया है खत्म। भाई अपनी जो काबरी है बच्चा देने से पहले भाई हट्टी गट्टी और एक नंबर दिखती थी, अभी बच्चा देने के बाद जो है कि दोस्तों खाना पीना देखो पेट फुल भरा हुआ है, लेकिन फिर दुबली दिखती है। अभी जब दूध बंद हो जाएगा फिर हट्टे गट्टे दिखेंगे। अभी देखो अपनी पारो देखो कैसे दिख रही है, देखो हट्टे गट्टे दिख रही है। ये बाखड़िया हो गए हैं तो हट्टे गट्टे दिख रही है, देखो ये बाखड़िया हो गए हैं हट्टे गट्टे दिख रही हैं। अपनी हंडू भी अभी अच्छी दिख रही है। इसके कितने आंचल चालू है? 3। एक कैसे बंद हो गया वो पता नहीं, वो सुरेश भाई को पता नहीं, मेरे को नहीं पता। दूध देती है ना लगा? ब्रीडिंग हो गई इसकी? हाँ हो गई। बोलना नहीं ऐसे बोलना, पता नहीं है। नहीं हो गई। हो गई फिलहाल। स्वयं बहुत बुरी बुरी पिटाई कर दी। क्या करता है वो? छोटे छोटे हमारे घर में उससे भी छोटे दो बच्चे हैं, जाके सीधा उनके ऊपर बैठ जाता है, फिर हमारे घर वाले फिर उसकी करते हैं पिटाई, जबरदस्त वाली पिटाई कर दी है उसकी। क्या हुआ? ट्रैक्टर भरने जाने वाले थे। हाँ मैंने बोला तू दूध निकाल मिल्किंग कर लेंगे। हाँ फिर तुम भूल गए? भूल गए तुम। अगर ये भूलने गए थे दोस्तों तो आज मेरे पूरी गाय की मिल्किंग करनी पड़ी होती, लेकिन ये भूल गए ये अच्छा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा सा हूँ आलसी, थोड़ा ज़्यादा नहीं, वैसे काम कर लेता हूँ मैं। अभी आप सोच रहे होंगे कब का इधर उधर घूम रहे हैं, तो देखो मेरा दूसरा भी काम होता है, साथ में व्लॉग का भी काम होता है, तो दोनों एडजस्ट करना पड़ता है, समझ रहे हो? ठीक है चलो अभी जो है कि थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होके पोर्ट मोमो के साथ भी जाना है थोड़ा काम से बाहर।